Esok ada bagai. May I call upon Mr. P.K. Rangkol, the president of INPT, to come to the dais. Now, may I call upon our vice chairman, Mr. Sridham Deborma, to come to the dais. May I also call upon Mr. Bhutto Deborma, vice chairman, to come to the dais. May I also call upon Anumesh Deborma, general secretary. May I also call upon Mr. Chitto Deborma, general secretary, to come to the dais. Akabu Pahilai, Farosha, Phayi, Chinchair Person of Risa Ranabhage, Apun Yagula, Julpi, Maharasa, Risa Yaparnai. Yes, Kargar, yes, yes. So, volunteer. Antabuk, Koinai, Sini Youth, Rural Deborma, David Murasin, Hollywood, Sohil, Borno Phayi, Daiso. Angkuilono norokno kulung mas kangia paro kulung kha. Maninya Burungganang Vijay Kumar Rangkol, President Daik NPT, thoda pura Vijay Babu ke liye bada haath de dijiye. Chitto Babu, General Secretary Tipra, Bhutto Babu, Vice Chairman Tipra, Sridham, Vice Chairman Tipra, Bhutto Babu, यहाँ पे हमारे और लीडर्स है विश्वजीत देबर्मा, बेचिंग, संजय मानिक त्रिपुरा, सुहेल, डॉली रियांग, टोनी, रुनिल देबर्मा, हरेंद्र रियांग, सबको मैं पहचानता हूँ बाय नेम. Mr. Lamin is there also. Suhail is there also. कौन कौन है? अर्जुन है, कृष्ण बाबू है, सब लोग हैं यहाँ में. अलग अलग पार्टी से सब लोग हैं यहाँ में. लेमन है यहाँ में, मीडिया में एवरी वन. पूर्णो, राजेश फ्रॉम गंदुतेसा, परितोष, हॉलीवुड चकमा, सब मेरा दोस्त. पॉलिटिक्स बहुत गंदा, बहुत ही गंदा बिजनेस, बहुत ही गंदा बिजनेस. कल चित्तू बाबू से मेरा बात हो रहा था और चित्तू बाबू ने बोला कि महाराजा, आज मैंने अपने बीवी से बात किया है और मुझे लगता है कि मैं और पॉलिटिक्स मुझे करने का मन नहीं लगता. बबागरा, आई डोंट वांट टू डू पॉलिटिक्स एनीमोर, ये लास्ट है. मैंने बोला क्यों? बोला इतना धोखा, इतना मतलब कोई कुछ ये बोलता है तो उसका मीनिंग कुछ और होता है. कोई टिपरा लैंड बोलता है, कोई ग्रेटर टिपरा लैंड बोलता है, कोई मोर पावर बोलता है, कोई ये बोलता है, कोई वो बोलता है, किसी को मालूम नहीं. आज सवेरे मैं उठा और सबसे पहले मेरे दिल के अंदर कल पूरा रात मैं नहीं सो चुका हूं. होल नाइट, कल पूरा रात मैं नहीं सोया हूं और आज मैं भाषण देने वाला नहीं.
आपको भी मालूम होना चाहिए कि आपका बुबागरा को कितना प्रेशर है। ढांचा पुला जाति उलो पार्टी, पुला जाति उलोम जाति किसने शुरू किया? बुबागरा आज अपने ही तिपरा सा लोग बोलता है उन्हीं तो उन्हें तो कलंक राज परिवार ऊपर उन्हीं कलंक प्रद्युत बाबू আমি চ্যালেঞ্জ করি প্রদ্যুৎ বাবুরে কি করেছে 25 সাল উনি কি করেছে ওনার অপরব ভালো নেই আক্রমণ উপর আক্রমণ হয় মানে ইতনা গন্দা থার্ড ক্লাস গন্দা নোংরা সস্তা রাজনীতি কহি মে নেই দেখা ত্রিপুরা মে দেখা और 70 साल से ये राजनीति ने ये नेता लोग ने हम लोग का तिपरा सा को फाटा है। खराब नहीं लगता, खराब नहीं लगता है। राज परिवार में कलंक क्यों? क्योंकि तिपरा सा के लिए बुबागरा बात कर रहा है। पहले बोलता है अंगो पोला तिपरासा, ना 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 ये नहीं होगा। क्यों नहीं बोलूंगा मैं तिपरासा के लिए? ढांचा मैंने बोला, यहां में विजय बाबू है, विजय बाबू का हाथ पकड़ के मैं एनसी बाबू के घर में ले जाता हूं, एनसी बाबू का हाथ पकड़ के मैं विजय बाबू का घर में ले जाता हूं, पटेल का हाथ पकड़ के शिलोंग में, जगदीश बाबू शिलोंग में, चित्तो बाबू यहां में, बुद्धो बाबू सबको अपना पार्टी करके एक ढांचा करने के लिए कोशिश किया। इतना कोशिश क्यों? मजाक में? टाइम नहीं है क्या और कुछ करने का? लेकिन क्या, लेकिन क्या मिलता है रिटर्न में? ना उरी तो कम पर भालो दिया बोलते पारे ना, आपने तो कम पर भालो दिया बोलते पारे, आपने क्या ना चुप आचे असेंबली पे কেন চুপ আছে? যে সময় সিএ পাস হয়েছিল পার্লামেন্টে কেন বলে নাই? আমার বউ 23 সাল দিয়া কাঞ্চনপুরে ছিল, বিপত্তিতে ছিল, আপনি এমপি ছিল, কেন আপনি বলে নাই? কে বলেন? হামনে কাম কিয়া যে জায়গাতে ছিল? বিজয়বাবু ইহা মে হাম জব থানচা বলতা হ্যায় हम क्या सिर्फ पॉलिटिक्स का थांचा बोलता है? हम तिपरासा का थांचा नहीं बोलता है? रियांग टेपरमा कलय रूपिणी मौसम जमते का थांचा नहीं बोलता है? आज जब रियांग को कुछ हुआ, जब रियांग को कुछ हुआ कंचनपुर में, तो बुबागरा रियांग के बारे नहीं बोला, वो थांचा नहीं है। जब चाकमा लोग को, जब हमारा पिंडेलाल चाकमा को मारा गया, बुबागरा हेल्प किया, वो थांचा नहीं है। जब मंत्री लाल कैपेक को मारता है, जब हमारा विश्वजीत देवर्मा को मारा, उस समय बुबागरा गया, वो थांचा नहीं है। और हम लोग का तिपरा सा लोकल लीडर लोग कोई बोलता हमी देवर्मा हमी चमत्कार कलय रियांग, अरे बाबा यही तो, इसी के लिए तो अपना हाँ में हम लोग आज भिखारी है, क्योंकि देवर्मा चमत्कार रियांग रूपिणी उलचोय रंग ये करके त्रिपुरा करके त्रिपुरा को हम लोग को भिखारी बना दिया, ये है ढांचा। सोचो, सोचो क्या हो रहा है हम लोग के लिए, सिर्फ राजनीति के लिए, लाल बत्ती के लिए, मंत्री के लिए, एमपी के लिए हमारा त्रिपुरा सबको बेकू बनाता है। आज तक प्रद्युत विक्रम मानिक्य ने कोई जाति कोई धर्म के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला, लेकिन अगर चला का न्यूज़पेपर में प्रद्युत तो कम्युनल क्यों? जब मैंने सीए का अपोज किया, वहां में हमारा मुसलमान भाई नहीं है? जब हम लोग का तिपरासा लोग जब मरता है, वो क्या सिर्फ क्रिश्चियन हिंदू है? आज आप लोग कानून पास किया एक जाति को एक धर्म को अलग करके सीएए में, वो कम्युनल नहीं था। कहा है वो कम्युनल? 4 तारीख को जिसने नीस्टर है,
ईस्टर संडे है, उस दिन आपने इलेक्शन का रिजल्ट किया, आप उस दिन को बदलिए, वो ईस्टर है, उस दिन जो क्रिश्चियन चर्च गिर जाएगा, उस दिन इलेक्शन करने से वो कॉम्युनल मैसेज नहीं जाता है, जाता है कि नहीं? तो मैं आपको बोलना चाह रहा हूं, ये न्यूज़पेपर में अभी क्यों दिन क्यों जाति विरुद्ध एकता कथा बोली नहीं, कभी नहीं बोला। लेकिन तिपरासा का कल्चर, जैसा अनिमेश ने बोला, आज सवेरे मेरा बात हुआ एक लीडर से, वो भी थोड़े दिन के बाद तिपरा में थंजा में आएगा, उससे कहा बुबागरा 1+1 तो 2 होता है, 1+1 3 कैसा हो गया? बुबागरा आंसर नहीं दे सकता, हम तो तिपरासा को देख के तिपरासा जैसा करके प्यार किया, अगर हमारे ही पीठ में छुरी मार देगा, हम ही को धोखा दे देगा, तो फायदा किसको होगा मेरे भाई मेरे दोस्त? फायदा किसी और को हो रहा है, क्योंकि थानचा नहीं है। आप लोग समझो, बहुत कुछ लगता है ये एडीसी इलेक्शन, क्या है ये एडीसी इलेक्शन में, ये एडीसी इलेक्शन में अगर तिपरा मोथा और हम लोग का INPT और दूसरा पार्टी लोग एक नहीं हुआ, जिसके संग अलायंस हुआ है, जो यहां में नहीं है उनके साथ हम लोग एक नहीं हुआ, तो 2026 में सेंस डिलिमिटेशन होगा, और यहां में हम लोग का बोरक लोग जो एक टाइम 90 था, 80 हुआ, 70 हुआ, 50% हुआ, 40 हुआ, आज 30 है, हम आपको बोल रहे हैं 5 साल 10 साल के बाद हम लोग खत्म हो जाएगा। आज इसके लिए बुभागरा लड़ रहा है, एक लाल पट्टी के लिए नहीं लड़ रहा है। विजय बाबू आपने बोला I've had a good fight, it has been my time, विजय बाबू ने सैक्रिफाइस किया, मैं मानता हूं कि विजय बाबू ने सैक्रिफाइस किया, लेकिन महाराष्ट्र से कुछ नहीं होगा। आज मैं लड़ रहा हूं, आपके लिए लड़ रहा हूं, अपने लिए नहीं लड़ रहा हूं। अगर लड़ना होता तो आज MP बन के, मंत्री बन के आराम से दिल्ली में बैठा होता, वो जो हमको चैलेंज करता है रेवती, वो नहीं होता, वो आता होता, और हमको चैलेंज करने के लिए लगा है। चैलेंज करना है तो उनसे चैलेंज करो, से चैलेंज करो, कुमारा से क्या चैलेंज करता है? और फिर से मैं बोल रहा हूं रेवती, मायूंग को सुई सुनो, आप हमको क्या चैलेंज करता है? दुख लगता है, लेकिन यहां में तिपरा मोथा के लिए भी एक मैसेज है, यहां का लोकल ऑर्गेनाइजर्स है, मैं आपको भी मैसेज देना चाहता हूं, यहां में जो लोग बुबागरा का नाम में राजनीति कर रहा है, पूरा त्रिपुरा में बुबागरा के नाम में राजनीति कर रहा है, और आज जब रैली हुआ तो बुबागरा आइकलोकथंग नहीं बोल के गाड़ी को रोका, कोई ने तेलियामुरा में रोका, किसने ओमपी में रोका, किसी ने खुमुलुंग में, टाकरजला में, मिर्जा कथालिया में, जो अपना ये रैली के लिए अपना लोगों को रोका, बोला जाओ ना ए हमारे रैली नहीं, जो उसने ये रोका है, और जो तिपरा मोथा का मेंबर बन के बुबागरा का अगेंस्ट जा रहा है, मैं उनको वार्निंग देना चाहता हूं, बुबागरा सब जानता है, और जो तिपरा मोथा के खिलाफ गया, जो ये थंचा के खिलाफ गया, वो तिपरा मोथा का हो या कोई हो, बुबागरा उसको जवाब देगा, करारा जवाब मिलेगा, जवाब तो मिलेगा। आप बुबागरा के नाम में, बुबागरा के नाम में आप राजनीति नहीं कर सकता है, ये तिपरासा के लिए है, मुसलमान के लिए है, बंगाली के लिए है, मणिपुरी के लिए है,
संपूर्ण इस जाति के लिए है, ये त्रिपुरा ग्रेटर त्रिपुरा लैंड के लिए है। और जैसे हमारे चित्तो बाबू ने बोला ग्रेटर त्रिपुरा लैंड कैसे मिला, ग्रेटर त्रिपुरा लैंड कैसे मिला, ईटीसी कैसे मिला, कैसे मिला 1982-83 में श्यामा बाबू श्यामा चरण त्रिपुरा दिल्ली गया। श्यामा चरण त्रिपुरा ने बोला इंदिरा गांधी को एडीसी चाहिए। अगरतला में एक लीडर था अशोक भट्टाचार्य जी, क्या बोला, रक्त दिवो एडीसी दिवो ना। इंदिरा गांधी ने श्यामा बाबू को राइटिंग में दिया। 87-88 में जब विजय रंकौल अनंत देव वर्मा दिल्ली गया, राजीव गांधी था उस टाइम, यहां में अनेक लीडर ना, उन्हीं तो उग्रपंथी, उन्हीं तो सांप्रदायिक, लेकिन जिस दिन TNV अकॉर्ड साइन हुआ, वही लोग जो आज इनको कॉम्युनल बोल रहा है, आज सलूट। जिस लोगों ने हम लोग का एनसी बाबू को कॉम्युनल बोला, जब त्रिपुरा लैंड का डिमांड हुआ, उन्हीं तो कॉम्युनल, आज जब मंत्री है वही लोग सलूट। एक दिन आएगा ये लोग सब जो बुबागरा को कॉम्युनल बोलता है वो भी सलूट करेगा, आप देखना। अभी भी वीर विक्रम का नाती जिंदा है, जेडी मंडल बोल भी दे ये जगह थे त्रिपुरा राजा छिलो ना, जेडी मंडल क्या बोला, त्रिपुरा राजा जगह छिलो ना। ये आपका सामने, ये वो नुयुम्मा उजेंदा पैलेस, वो नीरमहल, वो प्रमाण है कि ये हा हमारा है। आप लोग डरो मत, आएगा ये लोग, आएगा कोई रंग देके आएगा, कोई टॉक मस्टिंग देगा, वॉक मस्टिंग देगा, चौक तो देगा। ये रुपया है ना, ये जो रंग है ना, यहां में बुरी लोग भी है हमको बोल रहे हैं, ये जो रंग है ना, ये रंग आप रखो, ये रंग उनका मां बाप का रंग नहीं है, ये आपका रंग है। आपको बेच के ये लोग मंत्री बना, आपको बेच के MP बना, आपको बेच के आज अगरतला में इनका पक्का घर हो गया, यहां कामी में रहता था, आज अगरतला में 3 मंजिल का घर है, ये आपका रुपया है आप लोग। लेकिन 8 तारीख को वहां में, वो 8 तारीख वो यहां में 8 तारीख को त्रिपुरा मोथा को वोट देकर ADC को कैप्चर करना पड़ेगा। 70 साल से हम लोग को कुचला गया है, आज नंबर वन दुश्मन ये लोगों का कौन है, बुबागरा। क्यों? क्योंकि बुबागरा चुप नहीं बैठा है, आपके लिए लड़ रहा है, लेकिन सबके लिए लड़ रहा है। और ये बात दिल्ली में होगा, अगरतला में नहीं। अगरतला में क्या होता है, आपने हमारे 10 सीट दे जोट हो जाए, आपने हमारे 15 सीट दे जोट हो जाए, अमित जोट चाहिए ना, अमित त्रिपुरा सोल्यूशन चाहे। और जो लोग बोलता है ना, आपने बोलता है महाराज आपके खिलाफ रेवती ने बोला, हमको बहुत खराब लगा, अनेक खराब लग से अभी मंचे तो छिलो, अभी मंचे दिया नाम भी नहीं, बस क्यों, दम नहीं, कमजोर है। आज विजय बाबू ने बोला है कि उनका अच्छा टाइम, उन्होंने इतने साल तक
फाइट किया, आज बुबागरा फाइट कर रहा है। लेकिन हमको चिंता है कि एक दिन अगर बुबागरा नहीं रहा, हमारे बाद आप लोग का संख्या कम हुआ, तो क्या क्या एडीसी, क्या असेंबली? जब तिपरा ही नहीं रहेगा तिपरा में, तो किसके लिए आप लड़ेंगे? जब यहां में जाति धर्म के नाम में मुसलमान को हिंदू से लड़ाते हो, और हम जब बोलते हैं कि हमको हेल्प करो, मदद करो, तो क्या बोलते हैं? अरे वो तो 70 साल पुराना प्रॉब्लम है, 70 साल से ये प्रॉब्लम चल रहा है तिपरासा का, अब बहुत देरी हो गया। तो ये राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद तो 500 साल पहले हुआ था, आप अभी तक क्यों लड़ रहे थे? सब अपना फायदा के लिए करते हैं, ये है वोट बैंक पॉलिटिक्स, ये वोट बैंक पॉलिटिक्स है। यहां में लड़ाओ, मुसलमान को हिंदू से लड़ाओ, कोई पेट्रोल का बारे बात नहीं कर रहा है, कोई चाकरी के बारे बात नहीं कर रहा है यहां में। क्यों चाकरी के बारे बात करेगा तो पाकिस्तान के बारे बात करो, कुछ हुआ पाकिस्तान, यहां में हमारा तिपरा साहब को नौकरी नहीं मिला पाकिस्तान, क्या है ये? यही है वोट बैंक। अभी अपना उन्नयन करबो ना, अभी राज्य उन्नयन करबो, राज्य का आदमी लोग यही में तो है। 8 तारीख को कोई भी हो, बंगाली हो, तिपरासा में 19 दफा हो, मुसलमान हो, बुरोई हो, सेक्टर हो, सिकली हो, सब लोग आप हमको एक बात बोलो, प्रद्युत विक्रम माणिक्य को त्रिपुरा से चला जाना चाहिए, जाना चाहिए कि कर छे उन्हीं आमी चैलेंज दिच्छे, ये लोग इनको जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? आज जो बुबागरा का आंख में आंसू है, ये आंसू दुख का नहीं है, ये आंसू हमको बेशरम, हमको जिल्लत किया गया है, ये आंसू तिपरासा का आंसू है, ये पूरी तिपरा का है। और जिस दिन बुबागरा, जिस दिन तिपरा मोथा, आईएनपीटी हमारा पतल भी है, सब लोग है, जिस दिन एक हुआ हम लोग 8 तारीख को एटीसी कैप्चर करेगा, उसके बाद 2023 में दिल्ली में जाकर बुबागरा बात करेगा। और जो लोग आक्रमण करना चाहता है, मैं बोल देता हूं, हम नहीं डरता, हम प्राइम मिनिस्टर को भी अनुरोध करता है, मैं दिल्ली जाता हूं, मैं भी बोलता हूं भारत माता की जय, लेकिन भारत में एक छोटा सा राज्य है, उस राज्य में एक लोग हैं, उसका नाम है तिपरासा, उसका नाम है त्रिपुरी, उनके बारे में सोचिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल का इलेक्शन तो खत्म हो जाएगा, उसके बाद जो आपने पूरा नॉर्थ ईस्ट को बांटा है, जाति धर्म हमारा डिफरेंट ट्राइब के नाम में वो जो तोड़ा है, उसको आप प्राइम मिनिस्टर होकर आप ही को एक संग लाना पड़ेगा, क्योंकि पॉलिटिक्स इतना सस्ता गंदा पॉलिटिक्स जो मेरे देखा है, मेरे पीठ पे इतना छुरी मारा गया है, मुझे इतना झूठ बोला गया है, मेरे पीठ पे इतना छुरी मारा है, अपना ही तिपरासा ने अबू बगरा को धोखा दिया है, लेकिन मैं तब भी उनको प्यार करता हूं, क्योंकि तिपरासा है। लेकिन अब अगर बुबागरा लीडर का थांचा नहीं कर सका, तो पूरा तिपरासा का थांचा करके 8 तारीख को आप बुबागरा खुद नीचे आकर आपके साथ फाइट करेगा, और आप देखना त्रिपुरा में परिवर्तन होगा। यहां में जो लोग लोकल ऑर्गेनाइजर्स हैं, बुद्धो हैं, खातुंग हैं, हमारा बिची है, और बहुत लोग हैं, मैं उनको थैंक यू बोलना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि बहुत लोगों ने कष्ट किया, कल ये प्रोग्राम नहीं होने वाला था, लेकिन आप लोग ने काम करके इसको प्रोग्राम को सक्सेस कराया। बुबागरा एक ही आवाज बोलना चाहता है, सब लोग खड़ा होके तिपरासा का दिल में कितना जोर है वो अगरतला में सुना, नहीं आपको सुना नहीं दे रहा आज सब। अरे मियां साहब आप भी बोलिए, आप भी तिपरासा हैं, इस धरती के हैं। सलाम अलैकुम। तिपरासा, तिपरासा।
धन्यवाद। खुलुका जय हिंद।